हेलो पेरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हर बार तो मैं बच्चों के लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक हम लोग क्या करते थे, वीडियो हम लोग जो लिंक है, होमवर्क है, उसका यूट्यूब पे लिंक बना के आपको लिंक व्हाट्सएप में भेजते थे, है ना। और जो पुराना है हमारा ऐप है दीपदर्शन विद्या संकुल का, उसमें भेजते थे। लेकिन अब से जो स्कूल में नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें भी अब हमारा ऐप चेंज करना पड़ा है। और आप लोगों को भी जो हम लोगों ने नया ऐप के लिंक दिया था, ऐप डाउनलोड करने के लिए आईडी पासवर्ड वो सब कुछ जो दिया था, वो चालू करके आप लोगों को बस अभी इसे वही यूज़ करना है। आपको अभी कभी भी व्हाट्सएप में नहीं आएगा, जो ऑनलाइन हम लोग जूम पीरियड लेते हैं फेस टू फेस, वो भी उसी ऐप में ही चालू होगा। तो आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो देखना है और समझना है कि इसको कैसे यूज़ करना है, डेली बच्चों को होमवर्क कैसे देखा दिखाना है। और जो हमारा जूनियर केजी एंड सीनियर केजी का जो पीरियड है, वो ट्यूसडे एंड थर्सडे ऑनलाइन होगा। डेली लिंक तो हम लोग भेजेंगे ही, लेकिन जो ऑनलाइन है वो ट्यूसडे एंड थर्सडे जूनियर केजी और सीनियर केजी का, और नर्सरी का थर्सडे एक दिन होगा। तो वो ऑनलाइन कैसे चालू करना है, वो ऑनलाइन देखना कैसे है, फिर डेली जो लिंक आती है वो कैसे देखना है, और जो होमवर्क है वो कहाँ पे चेक करना है, आपकी फ़ीस की रिसिप्ट है, और जो जैसे कि वीडियोस है, फिर कुछ सर्कुलर हम लोग भेजते हैं जैसे कि एक्टिविटी लिस्ट, वो सब आपको कैसे देखना है, कैसे चेक करना है। बच्चे के अभी तो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम से जो बच्चे स्कूल आएंगे, तो उनकी अटेंडेंस भी आप चेक कर सकते हो कि मेरे बच्चे की अब तक की अटेंडेंस कितनी है, अब तक की अटेंडेंस के परसेंटेज कितने हैं, वो कितने दिन एब्सेंट रही है, वो सब आप उसमें चेक कर सकोगे। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये डाउनलोड करके रखना ही है और आपको डेली उसी में ही चेक करना है। अभी कोई भी टीचर्स आपको व्हाट्सएप में नहीं भेजेगी, तो आपको ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ करना है, वो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना जो पुराना ऐप है वो रिमूव कर देना है, और जो ये हमारा नया ऐप है वो आपको सबसे पहले ओपन करना है। आपको डेली होमवर्क कैसे चेक करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, जितना भी कुछ आया होगा, जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे तो सबसे पहले टाइमलाइन ही खुलेगी, जो भी आपका बच्चों का कुछ भी होमवर्क या सर्कुलर या टाइम टेबल या लिंक जो भी आएगा, ऑनलाइन लर्निंग का एक लेक्चर भी आ गया है, देखो वो सब आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में आके आपको सब कुछ मैं समझा देती हूँ कि आपको क्या क्या डेली यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले देखो, ये जो कैलेंडर है इसमें आपको सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे, अगर आगे से जो डिसाइड किए हुए होंगे वो, ठीक है। अभी सर्कुलर पे जाना है। सर्कुलर में आप देख सकते हो, सबसे पहले एक्टिविटी वीडियो है, फिर न्यू मोबाइल लिंक वीडियो की लिंक है, टाइम टेबल, जो भी होमवर्क की लिंक है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, मैं आपको टच करके दिखाती हूँ। ये देखो, आज का एक्टिविटी वीडियो है, वो आप उस पर आपको टच करना है, फिर ये लिंक पर टच करना है। देखो, अपने आप खुल गया ना। ऐसे डेली आपको यहाँ पर वीडियो की लिंक चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे टाइम टेबल है देखो नर्सरी का, तो वहाँ पे आपको टच करना है, फिर यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद कोई भी आप जो यूज़ करते हो उससे आपको ओपन करना है। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वो टच करके आपको, देखो यहाँ पे आ गया है ना, ये आपका टाइम टेबल है वीकली, ओके। ऐसे आपको टाइम टेबल चेक करना है। इस तरह से आप सर्कुलर में वीडियो की जो लिंक है वो, और टाइम टेबल है या फिर कोई सर्कुलर होगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। डेट वाइज जाके भी आप देख सकते हो कि चलो आगे मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, ऐसा आगे जाके भी आप देख सकते हो। वो ये सिर्फ आज से दिखा रहा है, क्योंकि अभी कल से ही भेजना शुरू किया है इसलिए, ठीक है। अभी आके जाके आप अटेंडेंस में आप देख सकते हो कि अभी तो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, तो यहाँ पे आप ग्रीन है, वहाँ पे आप बच्चे के प्रेजेंट देख सकते हो, यहाँ पे एब्सेंट है, टोटल प्रेजेंट कितनी है उसका काउंट यहाँ पे दिखा रहा है, फिर यहाँ पे उसके परसेंटेज दिखाई देंगे, ठीक है। ये फ़ी का ऑप्शन, यहाँ पर आप फ़ी की डिटेल्स देख सकते हो। फीस पेड, यहाँ पर आपने जितनी फ़ीस पे की होगी वो दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पे ड्यू फीस है, तो आपकी कितनी फ़ीस बाकी है वो यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे पे ऑनलाइन का ऑप्शन है, लेकिन वो आप एडमिन में आ जाके देख सकते हो और फी पे कर सकते हो।
जब भी असाइनमेंट हम लोग भेजेंगे आपको तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी आपको कभी भी व्हाट्सएप में पीडीएफ नहीं मिलेगी, पुराने ऐप में नहीं मिलेगी, जो भी होगा वो आपको यहाँ ऐप में ही चेक करना है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम शेड्यूल, जब आपका एग्ज़ाम होगा बच्चों का तब एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पर हम लोग अपडेट कर देंगे, तब आपको यहाँ पर देखना है, ओके। यहाँ पर देखो रिजल्ट सीट लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लिया, अभी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में जाके देखो, मैंने एक बच्चे का लॉगिन किया है तो उसका यहाँ पे रिज़ल्ट शो कर रहा है ना, तो ऐसे आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे गैलरी है, बच्चों के जो भी एक्टिविटी हम लोग कराते हैं, जो भी हम लोग क्लास में कराते थे पहले, प्ले एक्टिविटी, वो सब यहाँ पे फ़ोटो आपको दिखाई देंगे जब बच्चे स्कूल में आएंगे तब, ठीक है। यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है, देखो अगर कुछ कोई वीडियो हो, हम लोगों ने जो भी वीडियो अब तक YouTube पे अपलोड की है तो वो वीडियोस आपको, बच्चे के वीडियो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, आपको जो भी बच्चे के लिए ज़रूरी है वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना। फिर हम लोग आते हैं आगे ऑनलाइन लर्निंग में, आपको खास याद रखना है जूनियर एंड सीनियर के बच्चों को ट्यूसडे एंड थर्सडे ऑनलाइन लर्निंग रहेगा, तो आपको ऑनलाइन लर्निंग पे जाके टच करना है। फिर देखो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, मतलब कि आपका 11-10 को चालू होने वाला है, तो आपको बस यहाँ पे टच कर देना है। अगर मैम ने वहाँ पे चालू कर दिया होगा तो आप यहाँ पे टच करके देखो, यहाँ पे दिखा रहा है लेक्चर इज नॉट स्टार्टेड यट, मीन्स के बच्चे ने अभी तक, टीचर ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। जैसे टीचर वहाँ पे स्टार्ट करेगी, आप यहाँ से टच करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप कंटिन्यू हो जाओगे, आपका लेक्चर चालू हो जाएगा टीचर के साथ। तो जैसे हम लोग जूम में पढ़ते थे वैसे यहाँ पर जाके आपको शेड्यूल देखना है कितने बचे हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ टच करना है और आप ऑटोमेटिकली चालू हो जाओगे ऑनलाइन लर्निंग के लिए, ठीक है। तो इसका जो शेड्यूल है वो आपको मैम भेजेगी, तो वो आपको यहाँ पे सर्कुलर में चेक करना है, या फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ट्यूसडे एंड थर्सडे आपको डेली 11:30 को आपका पीरियड रहेगा, और नर्सरी का सिर्फ थर्सडे रहेगा 11:30 को आपको ये डे ट्यूसडे एंड थर्सडे चेक करना ही है, ठीक है। यहाँ पर सर्कुलर में भी आप देख सकते हो, अभी शेड्यूल नहीं है तो आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा, अगर कुछ भी आपको कुछ भी आएगा वो आपको टाइमलाइन आप खोलोगे तो आपको दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग कुछ भी, हमें नोटिफिकेशन आती है, मैसेजेस आते हैं, वो हमारे फ़ोन के मैसेज में दिखाई देते हैं, वैसे ही हमारे ऐप का मैसेज ही समझ लो, ये टाइमलाइन, मतलब यहाँ पे सारे टाइम शो करेंगे कि कब क्या दिया है। आज के देखो, ये आज की डेट है 9/1, तो आज की डेट का होमवर्क भी आ गया है। देखो होमवर्क पर टच करोगे तो क्या है, क्लास वर्क आज नहीं हुआ है, तो आज का होमवर्क क्या है, बच्चों को 1-10 नंबर प्रैक्टिस करने हैं। ये मैंने नर्सरी का एक लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे दूसरा होमवर्क भी है, आज का दो होमवर्क है, N2U प्रैक्टिस करना है, तो बच्चों को ये आज होमवर्क ये मिला है। फिर देखो यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर एडेड, मतलब कि आज ऑनलाइन लेक्चर का शेड्यूल मैम ने भेजा है, ये ट्रायल के लिए है, तो आज ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आज ऑनलाइन लेक्चर भी है, तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके फिर ऑनलाइन लेक्चर चालू कर देना है जो टाइम है उस टाइम पे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये सब आपको टाइमलाइन में मिल जाएगा। सर्कुलर में जाओगे तो देखो आज लिंक भेजिए, तो आप लिंक से ऐसे टच करके लिंक चालू कर सकते हो। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, टाइमलाइन डेली चेक करते रहो, आज बच्चों का होमवर्क क्या है क्या नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर है कि नहीं है। अगर आज की डेट का है तो आपको डैशबोर्ड में जाके ऐसे ऑनलाइन लर्निंग में चेक कर लेना है, यहाँ से ज्वाइन करना है, बस आपको सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन करके, टच करके ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना है। सब इजी है, आपको अभी डेली यही यूज़ करना है। मंडे से आपको डेली इसी में होमवर्क मिलेगा, इसी में सर्कुलर मिलेगा और इसी में सब लिंक मिलेगी आपको, तो आपको ये कंपलसरी आपको ये अभी यूज़ करना ही है, ओके। आपको अगर कुछ समझ ना आए तो आप अपने रिस्पेक्टिव क्लास टीचर को कॉल कर सकते हो या मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर किसी के पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो वो अपना मैम के पास आईडी पासवर्ड मांग के अपने बच्चे का लॉगिन कर लो, ठीक है। थैंक यू।